इसको कहते हैं जनेऊ, उसको नाप भी पता है जनेऊ का, ऊपर डालता है जनेऊ, कभी दिखाते नहीं है, इसको कहते हैं जनेऊ, ये है, ये जनेऊ है, इसको कहते हैं जनेऊ। जो सनातन की बात करेगा उसके लिए जान हाजिर है। कांग्रेस और बीजेपी से मतलब नहीं है, अपने साथ कौन है, हम है ये खड़े हैं, सनातनी खड़े हैं दोस्त। जय 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 कौन लड़ रहा है, कोई लड़ बीजेपी, नरेंद्र मोदी बीजेपी, सब बीजेपी सब हिंदू के लिए लड़ रही है। अच्छा। मोदी 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 मोदी। मध्य प्रदेश में चुनाव है आपके, 2 महीने के बाद है वोटिंग, बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीत रही है, कमलनाथ बहुमत से जीत रही है, कमलनाथ जो हिंदुओं को गाली देता है, जब है ना जब 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 देखता है कि हिंदुओं की पार्टी जीत रही है तो हाथ पे चोटी लगे बागेश्वर आके, क्या कमलनाथ है, कोई कमलनाथ नहीं है, सिर्फ शिवराज आएंगे, कलंक नाते ये सब कलंक नाते, सिर्फ बीजेपी आएगी। शिवराज सिंह ने क्या किया आप लोगों के लिए, सब प्रदेश में इतना काम किसी ने नहीं किया जितना शिवराज ने किया। अच्छा। नहीं तो आज से 20 साल पहले हिस्ट्री निकालो और आज की हिस्ट्री निकालो, आपको फर्क नजर आ जाएगा। महिलाओं को बर्बाद कर दिया, महंगाई बेरोजगारी, और पैसे कौन बांट रहा है, पैसे कौन बांट रहा है, बीजेपी शिवराज बांट रही, बहनों को पैसे कौन दे रहा है, कमलनाथ आके दे रहा है, उनकी सरकार ने दिए। अच्छा, हारते हुए दिखाई दे रहे इसलिए पैसा बांटना शुरू। अरे बोलना, ये बेकार की राजनीति करना छोड़ दो, बेकार की राजनीति करना छोड़ दो, जो हिंदुओं के लिए, चलो ठीक है हिंदुत्व को भी छोड़ो, हिंदुत्व को भी छोड़ दो, आप तो हिंदुत्व की लड़ाई, राम मंदिर इतने साल से किसने बनाया, राम मंदिर किसने बनाया, कमलनाथ पहले भी तो कर सकता था, राम मंदिर किसने बनाया, राम मंदिर किसने बनाया, कांग्रेस ने बनाया, कश्मीर को किसने मिलाया, कश्मीर को किसने मिलाया, कमलनाथ ने मिलाया, कांग्रेस ने मिलाया। अरे रेंडो बोलना ना, झूठो की है ना, बस अब खत्म हो गया काम, अब सिर्फ बीजेपी जीतेगी, हिंदुत्व जीतेगा, और इस देश में राज भी सिर्फ हिंदुओं का होगा, अब तो घर घर बालाजी हनुमान जी की चलेगी, बस अब एक ही रहेगा। ये बोलते हैं एक तरफ नरेंद्र और एक तरफ धीरेंद्र, दो ही चलेंगे, बस दो ही चलेंगे। आज से पहले तो कांग्रेस को कभी भगवान याद नहीं आए, और अब उनको भगवान याद आ रहे हैं, क्यों याद आ रहे हैं, अब क्यों याद आ रहे हैं भैया, उनको दिख रहा है कि हम हार रहे हैं, तो अब उनका पल्ला पकड़ रहे हैं, बस यही हो रहा है। आप लोग किसका पर्चा खोलोगे इस बार, हम तो नरेंद्र मोदी का ही पर्चा खोलेंगे, और किसी का भी नहीं खोलेंगे, बस मध्य प्रदेश में बीजेपी, मामा फिर आएंगे, मामा ही आएंगे, मामा के अलावा कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, मामा से कोई मतलब नहीं, कमल का फूल, मामा कमल का फूल, राम बुलाएंगे, मामा मांगे, कमल का फूल बोल रहे हो आप, एक कमलनाथ भी है, कमल केवल नाम रखने से, नाम रखने से कमल नहीं होता दोस्त। अच्छा, हाँ ऐसा तो लोगों ने राम सिंह नाम रख लिया, रावण का काम कर रहे हैं, उसने कमलनाथ नाम रख लिया, कमल के फूल में आ जाए, हम उसको भी सिंधिया की तरह ऊपर बिठाल देंगे, बीजेपी में आ जाए, अरे वो तो सब आ जाए, क्योंकि सनातन की गंगा ऐसी, जो नहाता है वो पवित्र होता है, सनातन की गंगा में जो, या महागठबंधन बन गया मोदी के खिलाफ इस बार, क्या होता है गठबंधन, अरे 26-28 पार्टियां मिल चुकी हैं, अरे दोस्त सबरी के बेर खाकर रंग का जला दी दोस्त, उसको कहते हैं सनातनी, लंका ध्वज राहुल गांधी भी है, कौन से, जिसका बाप, अरे जिसका बाप का नाम फिरोज, मेरे बाप का नाम कैलाश नारायण, कहां से हो गया वो सनातनी, उसके बाप का नाम फिरोज, उसके बाप का नाम फिरोज, वो सनातनी, आपने कई गलत दिया दोस्त, इसको कहते हैं जनेऊ, उसको नाप भी पता है जनेऊ का, ऊपर डालता है जनेऊ, कभी दिखाते नहीं है, इसको कहते हैं जनेऊ, ये है, ये जनेऊ है, इसको कहते हैं जनेऊ, वो कौन क्या पहनते हैं फिर, ऊपर कंबल जैसी जनेऊ डाल ली, उसको जनेऊ डालना कहते हैं, एक बार ये निकल जाए तो हिलते नहीं है, उसको कहते हैं जनेऊ, क्या बात, हाँ अगर ये यहाँ टोट डालोगे तो यहाँ से नहीं हिलूंगा, मर जाऊं चाहे, उसको कहते हैं जनेऊ, कंबल या तिलक लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अरे दोस्त उससे क्या होता है, ऐसा तिलक लगाने वोट मांगने के लिए, अच्छा तिलक लगा लिया, फिरोज का लड़का कहाँ से सनातनी हो गया, मुझे तो ये समझ में नहीं आया, लोग गांधी हूँ मैं, अरे गांधी मैं शर्मा हूँ, तुम वर्मा हो, और अच्छा सा नाम देख के अब यार लिख लो कैलाश विश्वास सारंग, मैं विश्वास सारंग हूँ, ऐसा होता है क्या,
नहीं संभव नहीं है, संभव नहीं है, नहीं है। संभव क्या है फिर? कौन सा संभव क्या है? सनातन का झंडा लहराएगा करना, जो राम का नहीं वो विरोधी किसी काम का नहीं। धर्म धर्म विरोधी कौन? धर्म की लड़ाई में पैगाम नहीं भेजे जाते, जिसका जमीर जिंदा होता है वो स्वयं ही आ जाता है। अगर इस दुनिया में हिंदू राष्ट्र को बचाना और बच्चों को बचाना है, एक एक माँ बाप सातों जात गरीब से लेकर अमीर तक कोई नहीं चाहता कि 18 साल एक महीने का कानून में पुलिस का साथ लेकर लड़की या लड़का भाग जाए, ये कोई नहीं चाहता, कोई गरीब अमीर नहीं चाहता। कांग्रेस ने कानून में लिख दिया 18 साल एक महीने के हो जाओ और किसी के साथ भी जाओ माँ बाप को, तुम तो एक काम करो जूते मारो, पुलिस तुम्हारे साथ खड़ी है। सुनो, अब 18 साल सरकार हो चुकी है आपके यहाँ पर, बीजेपी सरकार, बहुत बीजेपी बीजेपी कर रहे हो, कुछ काम धाम हुआ कि नहीं? अरे दोस्त, ये हाथ देख रहे हो, ये हाथ देखो, मैं रोता था, पढ़ा लिखा किसान हूँ, पढ़ा लिखा किसान हूँ, धीरू भाई अंबानी की तरह आया हूँ, लाइट 8 बजे आएगी, साली 24 घंटे लाइट नहीं, बीवी कहने लगी थी मायके जाऊं क्या, खेत पैसे ही नहीं आते। ये देखो हाथ, ओरिजिनल किसान हूँ। और अच्छा, हाँ, और अब क्या हो रहा है? कौन, अब ये हो रहा है, अब जाऊंगा कथा सुन के, 10:30 बजे लाइट आएगी, मोटर चलेगी, बिल्कुल चलेगी। अच्छा, 10:30 मतलब 10:30। मेरी औरत अकेली खेत पे जाती है, आज से 15 साल पहले भोपाल आती थी, बोगदा पुल पे तो छेड़ते थे, माकड़ो छेड़ नहीं दे कहीं का। अच्छा, और अब किसकी हिम्मत है दोस्त? अरे अब सनातन का झंडा होती है कि नहीं? अरे कार्रवाई नहीं, अब तो ये जनता ही फाड़ डालेगी। पहले क्या होता था? पहले सड़कों पर, पहले सड़कों पर हमारी गौ माताओं को काट दिया जाता था। आज के समय में हमारी गौ माताओं को हाथ नहीं लगा सकता। योगी जी को देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश में तहलका मचा दिया है, इतना भय है, कोई भी आतंकी या कोई भी जो गलत कार्य करता है वह बहुत सोच समझ कर कार्य कर रहा है। हमारी गौ माता की रक्षा करना सभी हिंदुओं का धर्म है, राष्ट्र की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, धर्म जननी जन्मभूमि की रक्षा करना, ये एक सनातनी का कर्तव्य है और हमें इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की रक्षा कर रहे हैं कि नहीं, ये बताओ? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। अरे करेंगे वो, तुम देखो आप कोई बार बन जाए, मैं देखता हूँ तुम बहुत काम होगा। अरे आप नहीं आने वाली बीजेपी मध्य प्रदेश? अरे कैसे नहीं आएगी, बीजेपी आएगी। तुम वोट दोगे कि नहीं? तुम दोगे वोट? के दिल्ली से आ रहा हूँ, आप क्या बात सुनने? अच्छा दिल्ली से आयो? मैं वोट दूंगा शिवराज सिंह चौहान को। अच्छा, मुख्यमंत्री बनाओ आप? भेजी बीजेपी, 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 सिर्फ बीजेपी, सिर्फ बीजेपी, सिर्फ बीजेपी, ओनली बीजेपी, सिर्फ बीजेपी है, बीजेपी, बीजेपी। क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेन सक्सेना है और बीजेपी भरपूर बहुमत से आएगी। इधर आ जाओ, भरपूर बहुमत से? जी हाँ। क्या क्यों भरपूर बहुमत से, क्या वजह इसकी? क्योंकि जो हिंदू हित की काम करेगा वही इस देश पे राज करेगा। बात खत्म, जय जय श्री राम। 2 मीटर को यार, जो हिंदू हित की बात करेगा वही इस देश पे राज करेगा। अच्छा, अब वही राज करेगा? हिंदू मुसलमान की बात कहाँ से जाती है देश के अंदर? देश सेकुलर है हमारे? नहीं, ये सनातनी हिंदुस्तान है। सनातनी है, सनातनी है, सनातनी हिंदुस्तान है, था और रहेगा। उसका मतलब क्या होता है, खाली हिंदू रहेगा यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, ये हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, ये हिंदू राष्ट्र है और वो घोषित होगा, 101% होगा। ये कांग्रेस वाले बोलते हैं सबका राष्ट्र है ये, कांग्रेस करप्शन नाथ पप्पू जैसे को बोलना से नहीं आता है, सवाल ही नहीं, पप्पू को बोलना नहीं आता। जो जवाब के सवाल मांग रहा है वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा? रेस में है प्रधानमंत्री बनने के? बिल्कुल, रेस में अगर आ जाए तो मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। अच्छा, बिल्कुल गारंटी दे रहे हो? बिल्कुल, 1001% की गारंटी। क्वालिटी नहीं है क्या? एक इतनी सी क्वालिटी नहीं है, इतनी सी क्वालिटी नहीं है। अच्छा, मोदी में? और मोदी में? मोदी जी, मोदी जी है भाई, हर दिल में बसे हुए है मोदी जी। मोदी जी, मोदी जी हर दिल में बसे हुए है, हर क्वालिटी में। क्या क्वालिटी नहीं है मोदी जी? हम उनको लाएंगे, बस एक ही बात है, जो राम के। हाँ, उनको लाएंगे। अच्छा, बस। क्या लग रहा है इस बार, अब मध्य प्रदेश में चुनाव भी नजदीक में आ गया है, कुछ क्या करोगे आप? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। ठठरी किसकी बांधोगे? कांग्रेस की। कांग्रेस ठठरी बांधोगे? बिल्कुल, ठठरी के बने कांग्रेसी। कांग्रेस पर्चा किसका खोलोगे?
मेरे भगवान का कमलनाथ करप्शन नाथ। अच्छा हमारे 25,000 दिए, 25,000 किसको दिए? पास वालों को। किसको दिए? 12 पास वालों को 25। मिला क्या? हाँ मिला, 25,000 मिला, मेरे भाई को मिला, मेरे दोस्तों को मिला, पूरा 25,000 मिला। 25,000 मिला? मिला है। दिया 25,000? मामा ने दिए 25,000। अच्छा कमलनाथ बोले मुझे लाओ, मैं भी दूंगा 25,000। कमलनाथ दे ही नहीं सकते, उनकी आएगी देने में, दे ही नहीं पाएगी। 25,000 कुछ होते है, मामा ने दिए, बहनों को दे रहा है पूरी। अच्छा सब कुछ दे भी नहीं रहा, खाली बस पाखंड कर रही है बस। अरे दे रहा है, दिए है, जब तो मानेंगे। अच्छा दिए है। चुनाव भी आ रहा है, क्या लग रहा है किसको मुख्यमंत्री बनाओगे आप? मामा बनेंगे, मामा ही आएंगे। कमलनाथ नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री किसे बनाओगे? मामा बनेंगे, मामा को वोट देंगे, हम भी देंगे, हमारे दोस्त भी देंगे।